शहडोल जिले में इन दिनों बदमाशों में पुलिस का एक भी खौफ नहीं है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक वारदात जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में सामने आई है, जहां ढाबे के भीतर बैठे एक युवक और युवती को सरेआम कुछ युवकों ने जमकर पीटा, उनके साथ मारपीट की। वीडियो ढाबे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब जमकर वायरल हो रही है। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र NDC कॉलेज चौराहे के समीप स्थित कैफे ढाबे में एक युवक और युवती नाश्ता करने आए थे। तभी कुछ देर बाद कुछ युवक वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर नाश्ता कर रहे युवक के साथ जमकर पिटाई की। जब इसका विरोध युवक के साथ नाश्ता कर रही युवती ने की, तो शरारती तत्व द्वारा युवती के साथ भी मारपीट की गई। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के दौरान ढाबे के कर्मचारी अभिषेक यादव ने मारपीट के दौरान बीच बचाव किया, जिसके साथ बदमाश युवकों ने मारपीट की। उसकी शिकायत ढाबे के कर्मचारी अभिषेक यादव ने बुढ़ार थाने में की है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। बिंद किरण के लिए शहडोल से कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बुढ़ार में एक युवक और युवती के साथ मारपिटाई की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? थाना बुढ़ार में अभिषेक यादव पिता राजू यादव नाम के व्यक्ति ने शिकायत की है कि उनके रेस्टोरेंट के पास में कोई रेस्टोरेंट में कोई युवक युवती रुके थे, उनके साथ में मारपीट की है अमितेश दुबे और अन्य लोगों ने। इस पर से थाना बुढ़ार में धारा 294, 323, 506, 534 का अपराध क्रमांक 199/21 पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है।